नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जायसवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेक्चर लेकर। मेरा है ओम जायसवाल बायोलॉजी क्लासेस, और मेरे क्लासेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा फिर से एक बार। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे कॉलेजेस में MBBS कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स मेरे डॉक्टर बन के अपनी प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मैं कुछ बातें और बता देता हूँ कि जैसे कि आप सब मेरे वीडियो अगर लाइक करते हैं, उस पर कॉमेंट्स करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। आप उसको और अच्छे से कॉमेंट्स कीजिए, लाइक्स कीजिए, आपके डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सिस्टम हमें जो देखना है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। जैसे कि हम आज तक कॉकरोच के सारे सिस्टम सबक देख चुके हैं, और हमारा 11th सिलेबस का, आपके 11th का टॉपिक 7th स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, वो खत्म होने पर है। उसका लास्ट पार्ट है कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने के लिए पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एनिमल्स में मोस्टली, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ज्यादा है, फाइलम की स्टडी में आपको आएगा, बट लोअर एनिमल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो रिप्रोडक्शन कॉकरोच में किस तरह से होता है, तो आपको पता है कि कॉकरोच बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा फाइलम, और इस फाइलम के सभी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। कॉकरोच एक डायोशियस ऑर्गेनिज्म है। देखिए डायोशियस वर्ड आएगा इधर आपके एनसीईआरटी बुक में, डायोशियस वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायोशियस? डायोशियस का मतलब देखिए दो तरह के, मीन्स इस स्पेसीज में, कॉकरोच की प्रजाति में, स्पेसीज में देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक मेल एनिमल्स एंड फीमेल एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड डायोशियस। डायोशियस का डाय का मतलब सबको पता है कि दो, बट व्हाट इज डायोशियस? देर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्सेस प्रेजेंट इन टू द स्पेसीज, दैट स्पेसीज द डायोशियस कॉकरोच इज डायोशियस ऑर्गेनिज्म, मीन्स मेल ऑर्गेनिज्म एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म आर सेपरेट सेपरेट। मान लो किसी ऑर्गेनिज्म में ये दोनों भी सिस्टम एक ही एनिमल में, लाइक इन अर्थवर्म को ले लो, अर्थवर्म में मेल एंड फीमेल सेपरेट नहीं होते, कंबाइनली दोनों भी सिस्टम एक ही ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, तो उसको आप ऑब्वियसली उसको हम मोनोशियस ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और कॉकरोचेस आर डायोशियस। तो इसलिए हमको कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करना है तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करना पड़ेगी, लेट अलोन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इज रिलेटेड विथ टेस्टिस। आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गोनाड है वो। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी लोकेशन देखना पड़ेगी कि बॉडी के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एग्जैक्टली किस हिस्से में सिचुएट है कॉकरोच के, और इसके लिए आपको पता होना चाहिए, मैं फिर से मेरे हर लेक्चर में बताता आया हूं, इस लेक्चर में फिर से बताता हूं, कॉकरोच बॉडी के तीन हिस्से होते हैं। द फर्स्ट इज द हेड, सेकेंड थोरैक्स, एंड थर्ड इज द एब्डोमिन। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेल और फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिचुएटेड इन टू द एब्डोमिन रीजन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। नाउ योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है एग्जैक्टली, इसके अंदर किस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये देखने के लिए हमें उसका एब्डोमिन देखना है सबसे पहले। नाउ सी हियर, दिस इज एब्डोमिन ऑफ कॉकरोच, और कॉकरोच के एब्डोमिन में जैसे कि हम सबको पता है कि देर आर 10 सेगमेंट्स इन एब्डोमिन रीजन, तो इन 10 सेगमेंट्स में एग्जैक्टली कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग्जैक्ट कौन सा पार्ट कहां पर है ये हम देखेंगे। देखिए ये एनल सिरसी, इसको आप जानते हैं, ये मेल ऑर्गेनिज्म में ऐसे कॉडल स्टाइल्स होते हैं, कॉडल स्टाइल और एनल स्टाइल, अब मेल है तो स्टाइल मारे गए। देखिए तो यहां पे दो कॉडल स्टाइल और इनको एनल स्टाइल बोलते हैं प्रेजेंट इन टू मेल एनिमल। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो पार्ट गैमेट बनाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली है क्या? देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी की जो फर्स्ट सेल होती है, दैट इज कॉल्ड जायगोट। जायगोट बनता कैसे है, मीन्स हर ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी की शुरुआत एक सिंगल सेल से होगी, और वो सिंगल सेल कहां से आती है, द हाफ सेल ऑफ फादर एंड हाफ सेल ऑफ मदर, फादर मदर के हाफ हाफ सेल एक जगह आ जाते हैं और बन जाती है बॉडी की पहली सेल, और उसका डिवीजन होते होते पूरी बॉडी बनती है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हाफ सेल ऑफ फादर जिसको स्पर्म बोला जाता है, और हाफ सेल ऑफ मदर जिसको ओहम बोला जाता है, इनको हम हाफ सेल ना कहते हुए हैप्लॉइड सेल बोलते हैं, और आर गैमेट्स।
तो ये मेल एनिमल के बारे में देख रहे हैं, मेल एनिमल में मेल गैमेट्स बनेंगे कॉल्ड स्पर्म्स, और ये स्पर्म बनाने वाला ऑर्गन है जो मेल ऑर्गेनिज्म में कॉल्ड टेस्टिस। टेस्टिस देखिए कहाँ होते हैं, ये टेस्टिस एक कॉकरोच के पेयर स्ट्रक्चर है। इनका लोकेशन आप देखिए यहाँ पे सेगमेंट के नंबर मैं आपको बता दूंगा, ये दोनों भी टेस्टिस है पेयर्ड ऑर्गन। इट इज एक्चुअली गोनाड ऑफ कॉकरोच, इट इज अ स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये तीन सेगमेंट में देखिए आप नंबर याद रखिए, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट में कॉकरोच के टेस्टिस यहाँ पे सिचुएटेड है आप देख सकते हैं। अब ये दोनों भी ऑर्गन का फंक्शन क्या है, दे कैन प्रोड्यूस स्पर्म्स, इनका काम ये किए कि ये स्पर्म बनाएंगे। इस टेस्टिस इस तरह के स्ट्रक्चर है पेयर प्रेजेंट इन फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट ऑफ द बॉडी। नाउ हियर अब स्पर्म इनके अंदर बनेंगे, पर ये स्पर्म का आगे क्या होता है, कैसे होता है, ये देखने के लिए हमें एक पार्ट और देखना है जो डायग्राम के बीचों बीच आएगा। देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूं कि मैं कोई भी डायग्राम आपको इकट्ठे नहीं दिखाऊंगा, जैसे एनसीईआरटी बुक आप खोल लेंगे तो सारे डायग्राम एक साथ दिख जाएंगे, या ज्यादातर लोग आपको डायरेक्ट पूरी डायग्राम दिखा देंगे। बट मित्रों हम डायग्राम का एक एक हिस्सा एक एक पार्ट अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर हम अगले पार्ट पे जाएंगे। वैसा वैसा एक एक पार्ट आपके स्क्रीन पे आता जाएगा, इसलिए आप सारे डायग्राम इकट्ठे मत देखिए बुक में कि जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। देखिए यहां पर बीचों बीच आपको एक बंच लाइक ऐसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली ये टेस्टिस का फंक्शन आप सभी को मैं भी बता चुका हूं, प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। मगर ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए है, स्पर्म जो टेस्टिस में प्रोड्यूस हुए उनका स्टोरेज यहाँ पे होने वाला है इस बंच में, इस स्ट्रक्चर में। इसका नाम भी हम देखेंगे, बट इसका आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर स्पर्म स्टोर होंगे, और इसका नाम है सेमाइनल वेसिकल्स। एक्चुअली सेमाइनल वेसिकल एक बंच है छोटे 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 छोटे, उसके अंदर आपको ट्यूब्यूल्स नजर आएंगे, एक सैक लाइक और जिसको हम बैग लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ नजर आएंगे। देखिए बीच में छोटे छोटे हैं और पेरिफेरल साइड में बड़े बड़े साइज के ये सैक्स है छोटे छोटे, और इनके अंदर स्पर्म स्टोर होने हैं। बट स्पर्म फॉर्मेशन ऑकर्स इन टेस्टिस, स्पर्म स्टोरेज ऑकर्स इन सेमाइनल वेसिकल्स। नाउ हियर इस सेमाइनल वेसिकल के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए। देखिए स्पर्म्स जो है इसके अंदर स्टोर होंगे, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको दिया है कि जो सारे स्पर्म है दे आर ग्लूड टुगेदर। देखिए वर्ड आता है ग्लूड, ग्लू मीन्स आप सभी को पता है ग्लू गोंद, जिससे जिसकी मदद से हम कोई स्टिकअप कर सकते हैं कोई चीज को। सो ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, फ्यू स्पर्म्स कुछ स्पर्म्स मिलकर बंच बना लेंगे जो हर एक ट्यूब्यूल के अंदर स्टोर हो जाएगा बंच। और यहां पे देखिए ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, और उन बंच को एक नाम दिया है यहाँ पे स्पर्मेटोफोर्स। स्पर्मेटोफोर मतलब क्या कि स्पर्म का बंच गुच्छा, इसको हम बोल सकते हैं बंच ऑफ द स्पर्म। और ये सारे स्पर्म तब तक स्टोर रहेंगे जब तक ये एनिमल कॉपुलेशन ना कर ले। व्हाट इज कॉपुलेशन? नाउ कॉपुलेशन एक कॉमन वर्ड है, आपको कई जगह पे आएगा ये। देखिए ये सारे पॉइंट आप याद रखिए, स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन सेमाइनल वेसिकल ग्लूड टूगेदर एंड that bunch of sperm is called spermatophore and the discharge during copulation। मैं आपको copulation के बारे में बता रहा था। copulation means the process of transfer of male gametes from male body to female body, that is called copulation। so during copulation this animal can transfer its sperm into the female organism। now after that देखिए अभी ये seminal vesicle के सारे point आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है ये ट्यूब्स जो कि टेस्टिस से होते हुए सेमाइनल वेसिकल्स में जा रहे हैं। अब फिर से देखिए यहां से निकलेंगे और ये ट्यूब्स सेमाइनल वेसिकल में जाकर खुल जाएंगे। अब मैं एक बात आपको फिर से बता देता हूं कि स्पर्म प्रोडक्शन जो हो रहा है ऑकर्स इन टू द टेस्टिस, बट स्पर्म स्टोरेज ऑकर्स इन सेमाइनल वेसिकल एंड यहां प्रोड्यूस हो गए वाले स्पर्म सेमाइनल वेसिकल तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पेयर डक्ट बने हुए हैं, इनका नाम आपको याद रखना है कॉल्ड वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस जो है ये नाम सेमाइनल वेसिकल नाम टेस्टिस नाम ये सारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आने वाले हैं। यहां पे आप याद रखिए वास डिफरेंस इज द डक्ट विच कंडक्ट स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू सेमाइनल वेसिकल, टेस्टिस टू
सेमिनल वेसिकल स्पर्म ट्रांसपोर्ट करने वाली डक्ट इज कॉल्ड वास डिफरेंस। स्पर्म वास डिफरेंस के थ्रू सेमिनल वेसिकल में पहुंच जाएंगे और सेमिनल वेसिकल में उनके बंच बन जाएंगे छोटे छोटे, उन बंच का नाम मैं अभी आपको बताया हूं स्पर्मेटोफोर्स। ये वही स्टोर रहेंगे जब तक इनकी जरूरत ना हो, जब तक वो डिस्चार्ज ना हो। अब ठीक है, सेमिनल वेसिकल के ऊपर देखिए यहां पे सेमिनल वेसिकल जैसे कि मैं आपको बताया हूं इज द बंच ऑफ द स्मॉल ट्यूबल्स एंड यही बंच जो है सेमिनल वेसिकल का इसके ठीक ऊपर यहां आप ये देख सकते हैं, देखिए डायग्राम में ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक ग्लैंड है कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एसेसरी ग्लैंड जिसको हम फैलिक ग्लैंड बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड मशरूम ग्लैंड और फैलिक ग्लैंड। ये फैलिक ग्लैंड जो है तो इसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए, इट सीक्रेट सम एसेसरी सिक्रेशंस विद स्पर्म, स्पर्म के लिए कुछ न्यूट्रिटिव सिक्रेशन प्रोड्यूस करेगा वो मशरूम शेप जो फैलिक ग्लैंड है, अनपेयर्ड है। लेटर ऑन फ्रेंड्स उसके बाद वाला पार्ट हम देखेंगे, देखिए यहां पे ये जो स्ट्रक्चर यहां पे आपको नजर आ रहा है इज कॉल्ड इजैक्युलेटरी डक्ट। ये है इजैक्युलेटरी डक्ट। इजैक्युलेटरी डक्ट का फंक्शन याद रखिए, इजैक्युलेटरी डक्ट कैन ट्रांसफर स्पर्म्स, ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनल वेसिकल इनटू फीमेल बॉडी। ये फीमेल बॉडी में स्पर्म यहां से रिलीज होंगे, इजैक्युलेट होना इसे रिलीज होना, इजैक्युलेशन के काम आने वाली डक्ट इज कॉल्ड इजैक्युलेटरी डक्ट। ये भी नाम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा लेटर ऑन, वो भी हम देखेंगे आगे। उसके बाद दोस्तों ये इजैक्युलेटरी डक्ट जहां ओपन हो रही है उस ओपनिंग को गोनोपोर ऐसा बोलेंगे, द ओपनिंग ऑफ इजैक्युलेटरी डक्ट इज कॉल्ड गोनोपोर। देखिए यहां पे एक लिस्ट बनती जा रही है लेबलिंग्स की, आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड इन सेमिनल वेसिकल विद द हेल्प ऑफ वास डिफरेंस, वास डिफरेंस ट्रांसपोर्ट इन सेमिनल वेसिकल, इन सेमिनल वेसिकल देयर इज द स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स एंड फ्रॉम सेमिनल वेसिकल दे रिलीजेस आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ इजैक्युलेटरी डक्ट एंड ओपनिंग ऑफ इजैक्युलेटरी डक्ट इज नोन एज गोनोपोर। तो ये सारे लेबलिंग आप याद रखिए, धीरे धीरे एक एक नंबर इसमें ऐड होता जा रहा है। यहां पे देखिए एक सेवंथ नंबर आ चुका है सेगमेंट का एंड सेवंथ सेगमेंट मींस द पोजीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल सेवंथ सेगमेंट में होता है कॉकरोच के लिए। देखिए नीट में आपको सेगमेंट्स पर क्वेश्चन आ सकते हैं, दे मे बी आस्क लाइक दिस की टेस्ट इज सिचुएटेड इन डायटस सेगमेंट ऑफ डायटस रीजन, तो आपको बताएंगे एब्डोमिन रीजन के फोर्थ टू सिक्स्थ सेगमेंट में टेस्टिस है, सेवंथ सेगमेंट में है सेमिनल वेसिकल। गोनोपोर एग्जैक्टली क्या है आपको याद होगा, इसके पहले मैं एब्डोमिन रीजन ऑफ कॉकरोच आपको बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर से देख लीजिए, इसी चैनल पर है वो वीडियो आपको मिल जाएगा, एब्डोमिन मेल फीमेल में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में, वहां पे गोनोपोर ये नाम आया था। गोनोपोर जो होता है वो एनस के वेंट्रल साइड में होता है। ये फिर भी अच्छी तरह से जानने के लिए आप एक बार फिर से गोनोपोर एग्जैक्टली क्या है, उसका पोजीशन एनस के बिलो कैसे है, ये जानने के लिए आप मेल और फीमेल के एब्डोमिन का स्ट्रक्चर वाला वीडियो जरूर देखिए। और आपको मैं फिर से बता रहा हूं, आप ये वीडियोस बार बार देखते रहिए, आपको ये पूरा पक्का दिमाग में फिट हो जाएगा, जो कि आपको जैसे आप किसी एग्जाम को जो आप फेस करेंगे तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो ये आपके ध्यान में आएगा एक डायग्राम से एक पार्ट्स, इसको आप रिपीट रिपीट देखिए। बच्चों आगे देखिए, यहां पर ये जो छोटे 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 असिमेट्रिकल पार्ट्स है यहां पे कुछ आप देख सकते हैं, ये असिमेट्रिकल है, आपको ये लेफ्ट और राइट ये दोनों साइड में एक जैसे ये पार्ट नजर नहीं आएंगे, ये सारे के सारे काइटिन से बने हुए हैं एंड काइटिन से बने वाले जितने भी पार्ट आपको यहां दिख रहे हैं देखिए ये असिमेट्रिकल है, इट्स नॉट लाइक लेफ्ट राइट में जैसे वैसा ही राइट साइड में होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, इधर के पार्ट्स अलग है इधर के पार्ट्स अलग है। और ये डार्क ब्राउन कलर के हार्ड ऐसे स्ट्रक्चर से इनका नाम याद रखिए, देखिए ये वहां पे राइट फैलोमर आपको नाम नजर आएगा, इधर लेफ्ट फैलोमर है एंड लेटर ऑन यहां पर एक नाम आएगा इट्स कॉल्ड वेंट्रल फैलोमर। ऐसे तीन तरह के फैलोमर आपके बुक में दिए हैं, राइट फैलोमर, लेफ्ट फैलोमर, वेंट्रल फैलोमर। ये सारे के सारे फैलोमर जो है ये इसके एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं ये एट्थ नाइन्थ और टेंथ सेगमेंट जो है, देखिए यहां पे ये टेंथ सेगमेंट तक का मैं आपको बता चुका हूं। फैलोमर्स क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये पॉइंट याद रखिए, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जेनिटेलिया मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल गोनेपोफाइसिस
को भी फेलोमर बोल सकते हैं। फेलोमर का ही दूसरा नाम मेल गोनाकोफाइसिस। एंड ये फेलोमर जो है काइटिन से बने हुए असिमेट्रिकल है एंड अराउंड गोनोपोर। आप ये जो पॉइंट दिया हूं मैं यहां पर आपको ऑल आर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। आपको देखिए नीट के लिए ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। जो फेलोमर्स दिखाया है आपके एनसीईआरटी बुक में उसके डिटेल्स कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी हमें पता होना चाहिए कि वहां पे जो फेलोमर्स है उनका दूसरा नाम मेल गोनाकोफाइसिस है। तीन तरह के फेलोमर्स आपके डायग्राम में दिखाया है, डिस्क्रिप्शन में तो कुछ भी नहीं है। डायग्राम में दिखाया है राइट गोनाको सॉरी राइट फेलोमर, दूसरा है लेफ्ट फेलोमर और तीसरा जो है वो वेंट्रल फेलोमर। और ये सारे के सारे जो है तो काइटिन से बने हुए हैं, असिमेट्रिकल है एंड दे प्रेजेंट अराउंड गोनोपोर। गोनोपोर जो अभी नाम गया है इज एन ओपनिंग ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट। तो फ्रेंड्स आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर अभी आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिया है, देखिए इसको टिटिलेटर ऐसा नाम है। ये टिटिलेटर और उसके जस्ट अबव आपको एक सुडोपेनिस दिखेगा। ये सारे पार्ट कॉपुलेशन में हेल्पिंग पार्ट है। टिटिलेटर, सुडोपेनिस, राइट फेलोमर, वेंट्रल फेलोमर, लेफ्ट फेलोमर, ये सारे असिमेट्रिकल पार्ट है। सारे के सारे सिर्फ डायग्राम में है, डिस्क्रिप्शन में इनके बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। आपको इनके नाम याद रखने हैं, आपको ये डायग्राम याद रखनी है। क्वेश्चंस आपको डायग्राम बेस्ड भी आ जाते हैं कभी कभी नीट में, तो उस टाइम मान लो आपके सामने अगर ये डायग्राम आ जाए तो आपको ये सारे पार्ट अच्छी तरह से पता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छी तरह से यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हमने देखे अभी, तो यहाँ पे एक एनल सिस्टम जो कि हम सबको पहले से ही पता है और ये कॉडल स्टाइल जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। बाकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में के जो मेन इंपॉर्टेंट नाम है टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल में स्टोरेज होता है स्पर्म्स का इन द फॉर्म ऑफ बंच कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक सिंगल ग्लैंड है जो कि मशरूम शेप है जिसको हम फैलिक ग्लैंड बोलते हैं। देन लेटर ऑन इजेकुलेटरी डक्ट, ओपनिंग ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट इज द गोनाकोफाइसिस, ये उसका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और बाकी के सारे एसेसरी पार्ट्स है, जस्ट सपोर्टिंग पार्ट्स है। तो फ्रेंड्स आपके सामने जो डायग्राम है अभी ये आपके एनसीईआरटी बुक की डायग्राम एज इट इज आपके सामने है। आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। ये सारे पार्ट्स, ये सारे के लेबलिंग्स आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और याद रखिएगा यहाँ पे बनने वाले स्पर्म जो यहाँ स्टोर है सेमिनल वेसिकल में, जो यहाँ से रिलीज होंगे गोनाकोफोर्स से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिलीज होंगे। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कहाँ रिलीज होते हैं, आगे उनका यूज कहाँ होता है वो हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यहां तक का पार्ट आपको अच्छी तरह से एक बार देख लेना है, एनसीईआरटी बुक में से देख लेना है, इसको अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको इतना पार्ट पूरी तरह से फिक्स रखना है माइंड में। जैसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट शुरू करेंगे तो आपको यहां तक का पार्ट पूरा आना चाहिए। इसके कंटिन्यूएशन में वो पार्ट आएगा और दोनों जुड़ के मिलके आगे रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली कैसे होता है वो देखना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला पार्ट हम देखते हैं, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। जैसे कि हमने देखा है कॉकरोच इज द डायोशियस ऑर्गेनिज्म। कॉकरोच डायोशियस है, मींस मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स आर सेपरेट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म और दूसरे में है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो हियर वी विल स्टडी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। नाउ हियर पहले हमें देखना पड़ेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन कहां पर है। जैसे कि हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एब्डोमिन में किन सेगमेंट में था, किस नंबर के सेगमेंट में था। सेम लाइक दैट इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन विच नंबर ऑफ सेगमेंट ऑफ कॉकरोच एब्डोमिन। तो सबसे पहले आप एक बात क्लियर कर लीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेल गोनाड कॉल्ड टेस्टिस इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, इट प्रोड्यूसेस स्पर्म इन फीमेल बॉडी। पेयर्ड ओहरी प्रेजेंट, फीमेल बॉडी में ओहरी होते हैं जो कि ओवा बनाते हैं। ओवा इज द फीमेल गैमेट, लाइक स्पर्म मेल गैमेट, ओवा फीमेल गैमेट। ओहरी सिचुएटेड फ्रॉम सेकंड टू सिक्स्थ सेगमेंट, पेयर्ड ऑर्गन, देखिए आपके सामने दिस इज अ पेयर्ड ओहरी, द कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर। एंटीरियरली इट इज अ पॉइंटेड और जैसे जैसे इधर आएंगे इट बिकम्स ब्रॉड। बोथ ओहरी आर नैरो टुवर्ड्स एंटीरियर साइड एंड ब्रॉड टुवर्ड्स देयर पोस्टीरियर पोर्शन। एंड
यहाँ पे आपको ये नाम याद रखना है ओवरी, उसके नंबर ऑफ सेगमेंट याद रखना है सेकंड टू सिक्स्थ, यहाँ पे सेकंड टू सिक्स्थ सेगमेंट तक ये सारे के सारे ओवरी, तो दोनों भी ओवरी यहाँ पे फिक्स है। और हर ओवरी के अंदर क्या है वो हमें देखना है, इसके अंदर छोटे छोटे ओरियोल्स है, ओरियोल्स और यहाँ पे एक वर्ड आएगा ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। ओरियोल्स और ओवेरियन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं देखने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। देखिए ओरी मैं आपको बताता हूँ इज लाइक दिस, यहाँ पे आपको छोटे 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 लाइन्स नजर आएंगे, आपके बुक की भी डायग्राम आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से होती है ओरी, मेरे हाथ तरफ ध्यान दीजिए आप, इसमें पांच उंगलियां है, फाइव फिंगर्स, ये सब की सब आपस में अगर जोड़ दे तो इज लुकिंग लाइक दिस। ये पांच मान लो मेरे उंगलियां जो है सो इज लाइक दैट ऑफ ओरियोल्स, फाइव ओरियोल्स कम टुगेदर एंड यूनाइट विथ ईच अदर इज लुकिंग लाइक दिस ओरी, एक ओरी एक ओरी। तो आप यहां देख सकते हैं ये यहां पे पांच नहीं है, देर आर एट ओरियोल इन ईच ओरी। देखिए यहां पे वर्ड आता है ओरियोल्स, ग्रुप ऑफ एट ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर क्या है ओरियोल के अंदर, चैन ऑफ ओवा, एक लाइन कंसिस्ट ऑफ अ चैन ऑफ ओवा। यहाँ पे देखिए आप, आपको यहाँ नजर आएंगे एक लाइन से ऐसे ओवा बन रहे हैं इसके अंदर। ओवा मीन्स फीमेल गैमेट्स, यही ओवा है जिनसे स्पर्म ज्वाइन होंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। स्पर्म कम्स फ्रॉम द मेल एनिमल, मेल एनिमल का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग देख चुके हैं, स्पर्म मेल एनिमल में बनेंगे मगर उनका रोल यहाँ फीमेल बॉडी के अंदर आकर इन ओवा को फर्टिलाइज करना होता है। सो देर इज अ चैन ऑफ डेवलपिंग ओवा प्रेजेंट इन ईच ओरियोल, या हर एक ओरियोल में ऐसे चैन है। मैं आपको एक ही दिखाया हूं, आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसा नहीं दिखाया है, बट आपको पता होना चाहिए देर इज अ चैन ऑफ ओवा प्रेजेंट इन साइड ईच ओरियोल। ये डेवलप हो रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं डेवलप होते होते। यहाँ पे देखिए ये जो हर एक ओवरी से एक ट्यूब निकल रही है, ये ट्यूब को कहते हैं ओविडक्ट। देर इज अ पेयर्ड ओवरी एंड पेयर्ड ओविडक्ट्स। देखिए आप यहां देख सकते हैं ये सारे के सारे एक लाइन से ओवा बन रहे हैं इसके अंदर, एंड दे ओपन्स इनटू ओविडक्ट। ओविडक्ट दो है, दोनों ओविडक्ट एक जगह आगे जाके एक बड़ी ट्यूब बनाएंगे, उसके बारे में देखेंगे हम। बट ओवा आर फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इन ओवरियोल्स, ओविडक्ट्स पेयर्ड स्ट्रक्चर एंड दे कम्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म्स अ ब्रॉड ट्यूब, दिस इज कॉल्ड कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना। देखिए सारे नाम आगे आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आने वाले हैं। उसके बाद यहां जहां पे वेजाइना ओपन होती है आगे जाकर, इस जगह पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि आपको आपके बुक में इसकी डायग्राम दी वाली है, यू कैन ऑब्जर्व। देखिए ये जो है बलून जैसा स्ट्रक्चर, एक्चुअली यहां पे और एक है बट उसमें वो श्रिंक हो गया है, ये बड़ा है और ये इसके बाजू में एक थोड़ा सा श्रिंक हो गए वाला स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ये स्पर्मेथिका है, मेल एनिमल जब स्पर्म रिलीज करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जो पिछले पीरियड में मैं आपको बताया हूं उसके पहले के लेक्चर में, ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेल एनिमल रिलीजेस स्पर्म इन दिस स्पर्मेथिका ऑफ द फीमेल बॉडी। ये स्पर्म का टेम्पररी स्टोरेज है। लेटर ऑन यहां पे इसका नाम याद रखना है आपको स्पर्मेथिका। अब मैं आपको एक ब्रांच ऐसी ग्लैंड दिखाऊंगा, आपको याद है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड थी फैलिक ग्लैंड, यहां पे भी एक ग्लैंड है पेयर्ड है मगर बोलते हैं कोलैटरल ग्लैंड। देखिए ये और ये ग्लैंड जो है तो यहाँ पे सेवन सेगमेंट में आपको नजर आएंगे, सिक्स और सेवन सेगमेंट यहाँ पे वहां पे, ये खादे प्लांट जो प्लांट के ब्रांच की तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये और ये ऐसे दो कोलैटरल ग्लैंड्स है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये दोनों भी यहां आकर खुलते हैं जहां पे वेजाइना खुल रहा है, इधर से कोलैटरल ग्लैंड, ये स्पर्मेथिका, ये सबका ओपनिंग कॉमन है इस जगह पे। लेटर ऑन देखिए नाम याद रखिए आप कोलैटरल ग्लैंड्स, आपको याद तो होगा इस सेवंथ के बाद डायरेक्ट टेंथ सेगमेंट याद दिखाया हूं, क्योंकि एट्थ और नाइन्थ को ये सेवंथ सेगमेंट ओवरलैप कर लेता है। हियर जहां पे ये ओपनिंग हो रहा है उस जगह को कहते हैं जेनाइटल चेंबर। देखिए जेनाइटल चेंबर वो जगह है जहां पे कोलेट्रल ग्लैंड खुल रहे हैं, जहां पे स्पर्मेथिका ओपन हो रहा है, जहां पे वेजाइना ओपन हो रहा है, तीन तीन ओपनिंग है एक जगह पे जेनाइटल चेंबर में। और तो उसके आगे वाला हिस्सा उस चेंबर के जस्ट थोड़ा सा सामने वाले हिस्से को वेस्टिबुलम कहते हैं, ये दोनों मिलाकर वेस्टिबुलम एंड जेनाइटल चेंबर कंबाइन इन्होंने एज जेनाइटल पाउच। देखिए अभी आपके सामने फिर तीन नए नाम आ चुके हैं, इनको आपको याद रखना है। ये जो
यहाँ पे तीन नाम आपको दिख रहे हैं, देखिए एक जेनाइटल चेम्बर है, ये वेस्टिबुलम है, और एक कंबाइन इनको मिलाकर बोलेंगे जेनाइटल पाउच। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये आप आपके बुक के डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपके बुक में के ही डायग्राम है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, बट ये ठीक है। फिर भी ये तो एक जगह, एक चेम्बर है, एक खाली स्पेस है ऐसा मान लीजिए। उसके बाद इसकी जो ओपनिंग होती है बॉडी के बाहर, इसको गोनेपोफाइसिस ऐसा बोल सकते हैं। गोनेपोफाइसिस एक्चुअली वहां पे भी कुछ काइटिन से बने हुए हार्ड ऐसे स्ट्रक्चर होता है उस जगह पे। तो ये आपके सामने ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका वर्क चलता कैसे एग्जैक्टली, इसमें क्या होता है, ये हम ध्यान से देखेंगे। पहले आप ये याद रखिए, देयर इज द चेन ऑफ ओहा सिचुएटेड इन टू द ओविडक्ट, ओविडक्ट नहीं सॉरी ओवेरियन ट्यूब्यूल और ओरियोल्स, जिसके अंदर ओविडक्ट, जिसके अंदर ओहा के पूरे चैन बने हुए हैं। अब यहां से ये चैन के जरिए सारे ओहा बनते हुए आगे बढ़ रहे हैं लाइन से, बारी बारी से, सीनियरिटी के हिसाब से, जो सबसे सीनियर है वो सबसे आगे चल रहा है, उसके बाद वाला उसके पीछे है, और ये इधर इधर से छोटे छोटे जो तो आखिर में बन रहे हैं उधर। तो ये आगे आगे बढ़ते जाएंगे एक एक, और ये ऑब्वियसली यहां पे जाना है इस जगह का, जिसको आपका नाम, तो इसको तो ये पता है आपको इसका नाम क्या है, ओविडक्ट। ओविडक्ट में एक एक ओहम उतरते जाएंगे, और उसके बाद स्पर्मेथिका के अंदर स्पर्म, देखिए या मैं आपको आफ्टर कॉपुलेशन के बाद के बताता हूं। देखो कॉपुलेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल एनिमल टू फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में किस जगह पे स्पर्म रिलीज होते हैं, मैं बताया था आपको, इनटू द सेमिनल वेसिकल, इस जगह पे, ये यहाँ पे देखिए यहाँ स्पर्म नजर आ रहे हैं। ये स्पर्म्स रिलीज हो चुके हैं, इज द आफ्टर कॉपुलेशन, ये प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूं, इज आफ्टर कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के बाद यहाँ स्पर्म है, ये एक स्पर्मेथिका का एक पाउच बड़ा हो गए वाला है, दूसरा अभी छोटा है, बट एक्चुअल में कॉपुलेशन के बाद ये दोनों पाउच फुलफिल हो जाते हैं बाय स्पर्म्स। मैं इसको और आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसी से पे आप फोकस कीजिए, जहां पे ये स्पर्म है, देखिए ये यहाँ पे स्पर्म आपको नजर आ रहे हैं। स्पर्म्स आर मेल गैमेट टेम्परली स्टोर्ड इन टू द स्पर्मेथिका ऑफ द फीमेल बॉडी। अभी ओम ऊपर है उधर ओविडक्ट में, उधर से एक एक ओम अभी नीचे की तरफ आएगा, ये मैच्योर होने के बाद धीरे धीरे एक एक ओम आएगा और यहाँ रिलीज होगा। देखिए आप ये देखिए एक ओम आ चुका है, फिर ये दूसरा आएगा थ्रू वजाइनाइट रिलीजेस इनटू दिस चेंबर, फिर एक आएगा, ऐसे ओम एक के बाद एक आ रहे हैं, डेवलप्ड ओम है। स्पर्म ऑलरेडी प्रेजेंट इन टू द स्पर्मेथिका। अब आती है बारी कोलेटरल ग्लैंड की। कोलेटरल ग्लैंड सीक्रेट देयर सेक्रेशन इन टू दिस चेंबर, देखिए ये एरो पे ध्यान दीजिए आप, इधर से फिर इधर वाला कोलेटरल ग्लैंड भी, दे बोथ सीक्रेट देयर सेक्रेशन इन टू दिस चेंबर, और इनका सेक्रेशन जो है कोलेटरल ग्लैंड का सेक्रेशन ब्राउन कलर का होता है, जैसा कॉकरोच के बॉडी का कलर है ना, सेम लाइक दैट। वो एक ग्लू लाइक सब्सटेंस है, जैसे फेविकॉल वगैरह होता है ना, उस तरह का सीक्रेशन है, एंड इट फॉर्म्स हियर अ लेयर अराउंड द रिलीज्ड ओहम। जितने ओहा रिलीज हुए हैं उनके ऊपर एक ब्राउन कलर का ग्लू लाइक सीक्रेशन ये कोलेटरल ग्लैंड में सीक्रेट करती है, और अभी स्पर्म भी उसके अंदर रिलीज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे स्पर्म भी जाने वाले, इसको उथिका बोलते हैं, बताता हूं आपको नाम, उथिका। उथिका सीक्रेटेड फ्रॉम कोलेटरल ग्लैंड्स, एंड स्पर्म जो इसके अंदर है, स्पर्म्स इन साइड द सेमिनल वेसिकल, स्पर्मेथिका, इन साइड स्पर्मेथिका स्पर्म्स प्रेजेंट। ये स्पर्म्स रिलीज होंगे उथिका के अंदर, ऑलरेडी वहां पे ओहम पहुंच चुके हैं अंदर, ब्लैकिश ब्राउन कलर है, मैं बताया था आपको, और इस उथिका के अंदर ये स्पर्म रिलीज हो गए, देखिए स्पर्म चले गए अंदर। अब इस पाउच में ओहम ऑल्सो प्रेजेंट, स्पर्म्स ऑल्सो प्रेजेंट, एंड ऑब्वियसली वहां पे स्पर्म और ओहम आपस में ज्वाइन होंगे, दैट प्रोसेस इज द फर्टिलाइजेशन हियर। फिर एक उथिका बनता है, फिर एक बनता है, फिर एक पूरी चैन बन रही है, और ये पूरा की पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है। डायग्राम में ध्यान से देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम नहीं है, ये उथिका वाली डायग्राम नहीं है, इज ओनली डिस्क्रिप्शन, आपको ये डायग्राम याद रखना है। आफ्टर दैट इसका साइज आपको दिया है आपके बुक में, एक नियर अबाउट 8 मिलीमीटर कुछ साइज आपको दिया है, इसको याद रखिए। और इसके अंदर पूरे फर्टिलाइज्ड ओवा है, इसके अंदर जिसका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, एग्स मीन्स उसके जो ओहम है, फीमेल गैमेट, ओहम, एग्स, ये सारी एक ही चीज के नाम है, एग्स और ओहम और फीमेल गैमेट, वो सब
इनको स्पर्म ज्वाइन हो गया मींस फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइज्ड एग्स, स्पर्म जिस ओवम से ज्वाइन हो चुका है उस एग को बोलेंगे फर्टिलाइज्ड एग। ये कहां पर है? द प्रेजेंट इनसाइड द उथिका। दोस्तों अब आगे इस उथिका का होता क्या है? देखिए फीमेल एनिमल इस उथिका बॉडी के बाहर, अभी फीमेल एनिमल के रिलीज होगा, इस द फीमेल कॉकरोच, और उसके पोस्टीरियर पार्ट से गोनोफाइसिस की तरफ से वहां से उथिका रिलीज करेगा ये एनिमल। देखिए आप, ये देखिए ये उथिका रिलीज कर दिया। ये उथिका कहां रिलीज किया जाता है? देखिए ये जहां कहीं भी सुटेबल जगह है कॉकरोच के लिए, जहां अच्छी कंडीशन है सारी, जहां सारे फैसिलिटीज है, वहां पे ये ग्लू कर देगा, उसको चिपका देगा किसी जगह पे, किसी सुरक्षित जगह पे, और ऐसी जगह चुनेगा कॉकरोच की जहां ये कि आपके वर्ड बुक में के वर्ड है क्रैक्स और क्रिवाइसेस, किसी दरार में, क्योंकि गैप है छोटे छोटे उसके अंदर, जहां सेफ्टी है, जहां कोई एनिमी नहीं आ सकता। एज वेल एज कॉकरोच जब भी रिलीज करेगा फीमेल कॉकरोच, तो उस टाइम एक बात और देखा जाएगा। देखिए यहां पे एक पेरेंटल केयर वर्ड में यूज कर रहा हूं, पेरेंटल केयर। इवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ है ना, तो ऑर्गेनिजम्स में पेरेंटल केयर डेवलप होता चला गया है। जो लोअर एनिमल में पेरेंटल केयर कम होता है, हायर में और ज्यादा, उससे हायर में और ज्यादा, और ह्यूमन में तो बहुत ज्यादा है, आपको पता है हमारे पेरेंट्स हमारे कितनी केयर लेते हैं। बट यहाँ पे कॉकरोच को भी उसके अगले जनरेशन की केयर है, नेचुरल फीलिंग है, तो कहीं भी इधर उधर वो ड्रॉप नहीं करेगा, वो सुरक्षित जगह पे जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, जहाँ पे बहुत सारा फूड है, जो इसमें से यंग निकलने वाले हैं, जो इसके बच्चे छोटे छोटे बाहर आएंगे, तो उनके लिए सारे फैसिलिटीज होने चाहिए, इसलिए वो सेफ जगह पे इनको रिलीज करके, उथिका को वहां पे रिलीज करके वो निकल जाएगा। एक टाइम पर कितने उथिका होते हैं इसके अंदर? तो एक 9 से 10 उथिका इसके अंदर होते हैं, और हर एक के अंदर 14 to 16 एग्स इन ईच उथिका। देखिए नंबर याद रखिए, मीन्स टोटल इसके अंदर कितने एग्स है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा आपको। चला गया यहाँ पे, नाउ हियर इज द उथिका रिलीज्ड इनटू द सेफ पोजीशन, सेफ कंडीशंस विथ सफिशियंट अमाउंट ऑफ फूड वगैरह सब कुछ है। अब इस उथिका में से यंग वंस बाहर आएंगे, ये डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कॉकरोच में प्लूरो मेटाबोलस डेवलपमेंट दिखाई देगी आपको। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है प्लूरो मेटाबोलस डेवलपमेंट, मतलब क्या? तो इसकी डेवलपमेंट होते टाइम कुछ निम्फल स्टेज आएंगे। निम्फल स्टेज क्या है? निम्फ किसको बोलते हैं? निम्फ मीन्स ऐसा एनिमल जो दिखने में तो एडल्ट जैसे सारे कैरेक्टर है उसमें, मगर उसमें रिप्रोडक्शन एबिलिटी अभी नहीं आई, मीन्स पूरा बड़ा हुआ नहीं, बस दिखता बड़ा है, दैट इज कॉल्ड निम्फ्स। सो ये देखिए इसमें से निम्फ्स बाहर निकल रहे हैं, ये छोटे छोटे, देखिए एक और निकला, ए देखिए ये एक है, ये भाग रहे हैं, ऐसे इसमें से छोटे छोटे कॉकरोच निकल के सब तरफ फैलने लगते हैं। दोस्तों चलिए एक को हमने रोक लिया है यहाँ पर। ये जो कॉकरोच है, न्यू बॉर्न कॉकरोच है आपके सामने, ये इसकी बॉडी काफी कुछ हद तक एडल्ट जैसी है, बस छोटी है साइज में। अब ये कॉकरोच रेडी है डेवलप होने के लिए। देखिए इसकी डेवलपमेंट होती है मोल्टिंग के थ्रू। यहाँ पे एक वर्ड आएगा मोल्टिंग, आपको याद रखना है, इट ग्रोज बाय मोल्टिंग 13 times। नंबर याद रखिए 13 times। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूं व्हाट इज मोल्टिंग। मोल्टिंग मीन्स क्या? देखिए पहले हम ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन की जब ग्रोथ होती है, जब एक छोटा सा बेबी होता है, बड़ा 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 होके पूरा एडल्ट ह्यूमन जब बनता है वो, तो उस टाइम ह्यूमन बॉडी की जो स्किन है, जो फ्लेक्सिबल है काफी, हमारी स्किन देखिए रबर जैसी है पूरी स्किन हमारी, तो ये स्किन हमारे साथ ही फ्लेक्सिबल होने की वजह से फैलती है, एक्सपांड होती है। मगर कॉकरोच की बॉडी ऐसे कवर से नहीं बनी है, कॉकरोच की बॉडी बनती है एक हार्ड ऐसे काइटिन से जो कि नॉन फ्लेक्सिबल है। जब कॉकरोच की ग्रोथ होने लगती है तो उसके साथ वो काइटिन का लेयर तो बड़ा होता नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं है वो, तो ब्रेक हो जाता है, रप्चर हो जाता है, और वो पूरा टूट के निकल जाता है एक कवर पर, उसके नीचे फिर एक नया लेयर बन चुका होता है ऑलरेडी, और फिर एक नया चकाचक ऐसा चमकदार कॉकरोच उस कवर को फाड़ते हुए बाहर निकल आता है। फिर एक बार ऐसा होता है, फिर एक बार होता है, दैट इज कॉल्ड मोल्टिंग। ये 13 बार होता है दोस्तों। देखिए कॉकरोच बड़ा होता जाएगा, मोल्टिंग होती जाएगी, और होते होते जब 13th मोल्टिंग हो जाएगी, 13 बार 13 times जब मोल्टिंग हो जाएगी, तो उसके बाद वाले कॉकरोच के ऊपर आप देख सकते हैं छोटे छोटे विंग पैड्स नजर आ रहे हैं।
मैं वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पे विंग पैड्स, और फिर पूरे एडल्ट के विंग्स नजर आएंगे। यहाँ पे देखिए आप ध्यान दीजिए, कॉकरोच बॉडी में 13th मोल्टिंग के बाद विंग पैड्स, छोटे छोटे विंग्स ओरिजिनेट होने की जगह ये बन चुके, और आगे चल के ये विंग्स पूरे बड़े हो जाएंगे। 13th मीन्स लास्ट मोल्टिंग, उसके पहले अगर विंग पैड आते हैं या विंग्स आ जाते हैं तो वो कॉकरोच के आउटर लेयर के साथ निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना, इसीलिए कॉकरोच बॉडी में 13th मोल्टिंग के बाद, जो कि लास्ट मोल्टिंग हो चुकी है अभी, इससे बड़ा कॉकरोच नहीं होने वाला है, इसके बाद उसका कवर नहीं निकलेगा, सो उसके बाद उसको विंग्स आएंगे और वो लाइफ टाइम रहेंगे और पूरे बड़े हो जाएंगे। एक बहुत ही प्यारा सा चॉकलेटी एंड क्रंची ऐसा कॉकरोच आपके सामने रेडी है, जो कि बहुत ही खतरनाक एनिमल जिसको हम बोल सकते, जो आसानी से मरेगा नहीं। ये एनिमल जो है तो लिम्फल स्टेज खत्म होने के बाद विंग्स पैड आ गया, विंग पैड आने के बाद वो एडल्ट बन गया है, अभी उसके विंग्स डेवलप हो चुके हैं, और ये कॉकरोच अब एडल्ट कॉकरोच कहलाएगा। कॉकरोच जिसमें विंग्स नजर आते हैं उसको आप एडल्ट कॉकरोच कह सकते हैं, अदरवाइज विदाउट विंग्स से कॉकरोच अगर आपको नजर आया कहीं पर तो सीधे समझ लीजिएगा इज अंडर मोल्टिंग स्टेज, उसके मोल्टिंग शुरू है अभी। तो यहाँ पे ये कॉकरोच के सारे बॉडी कैरेक्टर्स, कॉकरोच की ग्रोथ डेवलपमेंट, उसका बर्थ कैसे हुआ सब हम देख चुके हैं। अभी कॉकरोच एग्जैक्टली हमारे लाइफ पे क्या असर करता है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे। देखिए मेनी स्पीसीज आर वाइल्ड, बहुत सारे कॉकरोच हमारे ह्यूमन के आसपास में पाए जाते हैं, इकोनॉमिकली कोई इंपॉर्टेंस है नहीं इनका, ये किसी भी तरह से हमको कोई फायदा नहीं पहुंचाते। कॉकरोच जो है कोई काम के तो है नहीं, मगर चाइना जैसे कंट्री में आप देख सकते हैं कि इसको एज अ फूड यूज किया जा रहा है वगैरह वगैरह, हम व्हाट्सएप पे काफी कुछ देख चुके हैं ऐसे में। मगर मित्रों ये इकोनॉमिकली कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, दुनिया में इसका कोई खास यूज है नहीं, ये एनिमल सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाता है हमको। इसके कुछ स्पीसीज ह्यूमन के आसपास पाए जाते हैं हमारे हैबिटेट के आसपास, और ये एनिमल्स जो होते हैं तो ये पेस्ट ये ग्रुप में आते हैं। पेस्ट किसको बोलते हैं, चलिए सुनते हैं। पेस्ट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको जो हमको कोई बेनिफिट नहीं देंगे, जो हमको इकोनॉमिकली लॉस करेंगे, जो हमको मेडिकली लॉस करेंगे, जो हमारे हेल्थ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ऐसे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो चाहे माउस हो, चाहे मॉस्किटो हो, चाहे कॉकरोच हो, ये सारे जो हानिकारक जो जीव जंतु है जो हमको तकलीफ देने वाले हैं, ऑल आर अंडर द ग्रुप कॉल्ड पेस्ट, इनको कॉमनली पेस्ट ऐसा बोला जाता है। तो ये फूड स्पॉइल करेंगे, गंदगी में से घूमते हुए आएंगे, हमारे फूड पे से चले जाएंगे, और ऐसा फूड कंटेमिनेट होने के बाद अगर हमारे बॉडी में जाता है तो हमको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इसलिए ये कई तरह की बीमारियां भी फैलाते हैं। कॉकरोच की सारी बदनामी ये आखिर के पैराग्राफ में आपकी बुक में दी हुई है दोस्तों। तो चलिए कॉकरोच के बारे में हमने काफी कुछ देखा, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं दोस्तों, याद रखिए। सबसे पहले तो आपको कॉकरोच या कोई भी आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, जैसे जैसे मैं आपको एक एक बिट पढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे एक एक वीडियो लेक्चर सामने आएगा आपके, आप तुरंत उसके बाद एनसीईआरटी बुक जरूर देखेंगे। ये वीडियो फिर से एक बार देखिए, एनसीईआरटी बुक में से रीड कीजिए, उसमें से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको हाईलाइट कीजिए। मैं जितने भी वीडियोस डाल रहा हूं दोस्तों उनको बार बार रिपीट रिपीट आप देखा कीजिए। एक बार देखने से आपको समझ में आएगा, दो बार देखने से थोड़ा और समझेगा, कई बार देखने के बाद आपको वो पूरी तरह से याद हो जाएगा। और दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी पार्ट आपको सिर्फ समझ के नहीं रुकना है, उसको आपको पूरी तरह से फिट कराना है आपके ब्रेन में, जो कि हमको एग्जाम तक टिकाना है। तो इसलिए बार बार देखते रहिए सारे चैनल्स, सारे वीडियोस, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, गुड डे।